मेरे प्यारे भाई दोस्तों, उम्मीद है आप फिर से होंगे यार। आज फिर आपके पास हाजिर है यार। आज एक स्टोरी सुन रहा था बाबा जान की, इतनी ज़्यादा एक रिमाइंडर था और मेरे लिए भी स्पेशली था कि मैंने कहा इतना अमेजिंग था कि मैं आपको साथ शेयर करूं। उन्होंने बताया, अच्छा ये उन्होंने शायद बयान दिए यूके के अंदर थे, तब उन्होंने बयान दिया एक मस्जिद के अंदर, बहुत बड़ा मजमा बैठा था। तो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा मैं थोड़ी सी अपनी लाइफ की एक स्टोरी बताता हूँ कि उनको ये ख्याल कहाँ से आया कि उन्होंने म्यूजिक छोड़कर और अल्लाह के दीन को सीखना है और स्टेज छोड़कर मेंबर पे आके बैठे हैं। उन्होंने बताया कि एक दफा वो नया नया टाइम था जब वो म्यूजिक छोड़ रहे थे। अब उस दौरान उनका एक बहुत ही करीबी दोस्त था, उन्होंने नाम किसी का नहीं बताया, उनका बहुत ही करीबी दोस्त था। उन्होंने उनको बुलाया, यार जुनैद भाई आप आके मेरी शादी पे थोड़ा सा गाना गा दें, मैंने स्टेज वगैरह से जाया होगा, आप आके थोड़ा सा गा दें, 10 मिनट गा दें बस। उन्होंने कहा कि वो इतना करीबी दोस्त था, मना भी नहीं कर सकते थे। तो वो शलवार कमीज पहन कर, टोपी में, थोड़ी थोड़ी उनकी दाढ़ी थी, वो पहुंच गए शादी में कि शायद वो उनको बाबा को गाने के लिए ना कहे। लेकिन जब बाबा वहां पहुंच रहे थे तो उन्होंने बाबा ने बताया कि वो आधे रास्ते जब अंदर आ रहे थे तो उन्होंने सुना कि अंदर से एक ऐसे गुलकार की आवाज आ रही थी, ऐसे बंदा जो गाना गा रहा था, वो बाबा की भी जब बाबा छोटे थे उनका उस वक्त वो पाकिस्तान के बहुत बड़े सुपरस्टार थे कोई, कह रहे उनकी मैंने जब आवाज़ सुनी तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि यार मैं इनसे जाके मिलूं, क्योंकि वो बाबा के भी बड़े हीरो थे, बाबा को बहुत पसंद थे वो। जब वो अंदर गए और उन्होंने उनको आके देखा तो वो काफी देर बैठ कर उनको सुनते रहे। थोड़ी देर के बाद बाबा के दोस्त ने उनको देख लिया, उन्होंने बाबा को ऐसे लिया, पकड़ा हाथ और कहा कि आए जुनैद भाई, मैं आपको आगे स्टेज की तरफ लेके चलूं, अभी आगे बैठाऊं बिकॉज अब आपने गाना है आके। तो बाबा ने कहा कि उन्होंने जो अंदर गुलकार जो स्टेज पे गाए थे उनको बाबा ने देख लिया और उन्होंने बाबा को देख लिया, दोनों ने आपस में एक दूसरे को देख लिया। उन्होंने कहा बाबा ने ऐसे करके दोनों ने सर हिलाया और एक दूसरे को प्लेजेंट करके ऐसे से मिले, क्योंकि वो सेम फील्ड के थे। तो बाबा ने कहा कि उनके दोस्त ने उनको ये कहा, ये बाबा ने खुद कहा कि जुनैद 2 मिनट रुको, अभी मैं इस कचरे को स्टेज से उतारता हूँ 2 मिनट में, फिर तुम आ जाओ गाओ, सारे लोग बैठे तुम्हें सुनने के लिए। बाबा ने कहा कि ये बात उनको सीधा जाके इधर ऐसे खंजर की तरह जाके दिल में लगी कि एक तो इतने बड़े सुपरस्टार पाकिस्तान के जो थे उनको ये ऐसे कह रहे कि अभी कचरे को मैं उतारता हूँ, क्योंकि उस वक्त वो ये के बड़े हो चुके थे, उनकी एजेड थे वो। तो बाबा ने कहा, उस वक्त बाबा की उम्र उन्होंने खुद बताई कि अराउंड 36-37 ऐसी थी। बाबा के दिल में फौरन से ख्याल आया कि जुनैद अभी तुम 2-3 साल और गाओ और एक ऐसा टाइम आएगा कि तुम स्टेज पे गा रहे होगे और एक नया नौजवान गुलूकार आएगा और लोग उस वक्त यही कहेंगे कि अभी इस कचरे जुनैद को उतारते हैं और ये नया गुलूकार इसको स्टेज पे चढ़ाते हैं। बाबा ने कहा बस ये बात मैंने जब दिल में लगी कि ये कि दुनिया की जो शोहरत है, दुनिया की जो ये हमारी दुनिया की रंगीनी है, दुनिया के जो ये बाजार है, दुनिया की ये जो वक्ती इज्जत है, वक्ती शोहरत है, बाबा ने बोला ये सब खत्म हो जानी है, जिसके पीछे आप और मैं हर वक्त दिन और रात हम आप और मैं इसके पीछे भाग रहे। तो मुझे फौरन से ख्याल आया आज यार बाबा ने जो बात की, तो मैं भी ऐसे ही फील्ड में हूँ जहाँ पे पहले मुझे लोग कम पहचानते थे, अब लोग ज्यादा पहचानते हैं, लोग मिलने आते हैं वगैरह। मैंने कहा मेरे साथ भी ऐसी कोई बात ना आ जाएगी, इस वक्ती शोहरत के पीछे मैं भी दौड़ लगाता रहूँ और भागता रहूँ इसी के पीछे, क्योंकि ये सब खत्म हो जाना है। और अल्लाह का दीन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए वो क्या है, वो हमेशा रहने वाला है, उसमें अल्लाह इज्जत भी देते हैं। क्योंकि बाबा ने फिर आखिर में बात बताई कि कहाँ नाचने गाने वालों को अल्लाह पाक ने लाके मेंबर पे बिठा दिया, क्यों, क्योंकि बाबा ने अपनी जिंदगी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ दी थी, उनकी नस्बत उनके साथ आ गई थी। तो बाबा ने खुद कहा कि कहाँ स्टेज वालों को अल्लाह पाक ने आके मेंबर में बैठा दिया जो बैठ के अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी करते हैं। तो ये बात सुन के मैं भी आज हिल गया। तो मैंने कहा ये डेफिनेटली यार जो मुझे फॉलो करते हैं मेरे चैनल वाले यार, मैं आप लोगों से शेयर करूं और इसमें मुझे भी रिमाइंडर मिला एंड आई होप हम सबको ये रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है जी मेरे प्यारों, इंशाल्लाह इसी तरह बाबा की स्टोरीज और बाबा की स्टोरीज और बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह इंस्पिरेशन जो मुझे मिलती रहती है मैं इंशाल्लाह आप लोगों से भी शेयर करता रहूँगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों से अगले बड़े मजे बात। और हाँ, बड़े मजे की बात ये भी हमारे पास रखी हुई थी आज, बस थोड़ा सा परेशान नहीं हो गया, ये टूट गई थी, ये गिर गई, टूट गई है यहाँ से, इससे जाकर सही करवा रहा हूँ। ठीक है जी,
ओके जी, सलाम अलैकुम।